नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपके साथ तरन्नुम जोहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। पीएम मोदी के घर आज शाम होने वाली बैठक रद्द हुई। ये बैठक कैबिनेट विस्तार को लेकर होने वाली थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। पीएम ने कहा, उनके आदर्श देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक संस्कृति का विकास करने वाले हमारे मार्गदर्शन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। उन्हीं ने दिखाए मार्ग पर आज केंद्र सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभिन्न विभागों की लेंगे बैठक। विभागीय मंत्रियों सहित वरिष्ठ अधिकारी बैठक में होंगे शामिल। संस्कृति पर्यटन शिक्षा विभाग और राम भुवन गमन पथ की प्रगति की करेंगे समीक्षा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फैसला, इस साल नहीं बढ़ेगी स्कूल फीस। सीएम ने 10% वृद्धि पर रोक लगाई। सीएम ने कहा, तीसरी लहर की आशंका खत्म होने पर खोलेंगे स्कूल, इस साल नहीं बढ़ेगी फीस। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों मालवा अंचल के दौरे पर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मालवा अंचल के दौरे का आज मेरा तीसरा दिन है। आज 7 जिलों में मेरा दौरा रहने वाला है। सिंधिया ने कहा, घर घर जा रहा हूं और जो लोग हमसे बिछड़ गए भगवान उन्हें अपने दरबार में जगह दे। वही हत्याकांड पर उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह एक्शन मोड में है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने धारा 370 कांग्रेस बंगाल नेमावर हत्याकांड और दिग्विजय सिंह के बारे में बयान दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने 7 दिनों के दौरे पर चित्रकूट पहुंच चुके हैं। यहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत 7 दिनों तक धर्मनगरी चित्रकूट में प्रवास करेंगे, जहां संघ की प्रमुख बैठकों का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीनियर आईपीएस और एडीजी रैंक के अफसर जीपी सिंह को निलंबित कर दिया गया है। सोमवार की देर रात एक आदेश जारी कर राज्य सरकार की तरफ से ये कार्रवाई की गई। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश में लिखा गया है कि जीपी सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार की गतिविधियों में संलिप्त दिखाई दे रही है और ऐसे काम के लिए सरकार अफसर से उम्मीद नहीं की जा सकती। बता दें कि जीपी सिंह ने 47 लाख के इनामी नक्सली पहाड़ सिंह के सरेंडर मामले में भी पूछताछ होगी, क्योंकि पहाड़ के पास नक्सलियों के करोड़ों रुपए थे। इससे पहले एसीबी के प्रमुख रहने के दौरान उनके खिलाफ ब्लैकमेलिंग, अवैध वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर कार्रवाई की गई थी। बीते 1 जुलाई से 3 जुलाई तक उनके रायपुर रजनांदगढ़ गांव ओडिशा के 15 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई में खुद एसीबी की टीम ने दावा किया है कि दर्जनों फ्लैट, सोना, कैश, गाड़ियां मिलाकर कुल 10 करोड़ से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन। लोगों की भागीदारी के लिए कांग्रेस राज्यभर में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ सभी 307 ब्लॉकों में कांग्रेस चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। थाली बर्तन पीट पीट कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। महंगाई के विरोध में पंपलेट, पैम्पलेट, पोस्टर और प्ले कार्ड के साथ पेट्रोल पंपों में चलेगा अभियान। महंगाई के विरोध में साइकिल यात्रा निकाली जाएगी।
क्षेत्रीय विधायक विष्णु खत्री ने सोमवार को बेरसिया में भारतीय नेचर एंड ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन किया है। वहां मौजूद सभी लोगों ने प्लांट पर पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विष्णु खत्री ने कहा है कि भारतीय नेचर एंड ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना होने से बेरसिया में औद्योगिक विकास की शुरुआत हो चुकी है। इस उद्योग से बेरसिया के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और शीघ्र ही फूड प्रोसेसिंग उद्योग शुरू होगा। इससे बेरसिया वासियों को रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का संकट, राजधानी रायपुर में लग रहा केवल दूसरा डोज, प्रदेश के पास करीब 70,000 टीके ही बचे। आज से टीकाकरण को लेकर बना हुआ है संकट, नई खेप मिलने के बाद ही टीकाकरण होगा शुरू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखा था पत्र, जुलाई महीने के लिए मांगी थी 1 करोड़ डोज। इंदौर में होटल रेस्टोरेंट बार 11 बजे तक खुल सकेंगे। शादियों में 50 मेहमानों की उपस्थिति का सख्ती से पालन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। देवास में बड़ा सड़क हादसा हुआ, रेत से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर बोलेरो के ऊपर पलटा। हादसे में बोलेरो में सवार 3 लोगों की मौत। पिछले दिनों दमोह जिले के हट्टा थाना क्षेत्र में कुमी पटना में पूर्व सरपंच मुरारी की हत्या का रहस्य पुलिस ने सुलझा लिया। पुरानी रंजिश को लेकर हुई इस हत्या के 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश के आसार, सोमवार को 2 घंटे में 36 मिमी बारिश दर्ज की गई है। आज भी अच्छी बारिश की संभावना। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा अभियान पौधा तुहरदार को महासमुंद वासियों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। जिलेवासी निःशुल्क पौधा अपने द्वार पर पाकर काफी उत्साहित है। वहीं इन पौधों को अपने आसपास से लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लेते हुए लोगों को पौधा लगाने के लिए जागरूक करने की बात कह रहे हैं। सीबीएसई ने साल 2021-22 के एकेडमिक सेशन के लिए 10वीं और 12वीं के सिलेबस में बड़े बदलाव किए। इसके तहत साल 2021 के बैच के लिए बोर्ड परीक्षाएं 2 बार में कराई जाएगी। सीबीएसई ने जारी सर्कुलर में बताया कि 2021-22 के एकेडमिक सेशन को 2 टर्म में बांटा गया है। हर टर्म में 50% सिलेबस को कवर किया जाएगा। पहले टर्म की परीक्षा नवंबर दिसंबर और दूसरे टर्म की मार्च अप्रैल में होगी। ये टर्म एग्जाम 90 मिनट के होंगे। इसका नोटिफिकेशन इसी महीने जारी कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री ने कोविन पोर्टल और ऐप को ओपन सोर्स करने का ऐलान किया। यानी ये सॉफ्टवेयर दुनिया के बाकी देश भी फ्री में इस्तेमाल कर सकेंगे। दुनिया भर के हेल्थ और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से राफेल डील को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट कर राहुल गांधी ने राफेल डील के साथ साथ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर भी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने ट्वीट में कुछ पंक्तियों के रूप में पहली डाली जिसमें लोगों से खाली जगह भरने की अपील की है। राहुल ने लिखा है कि मित्रों वाला राफेल है, टैक्स वसूली महंगा तेल है।
22 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सेशन में गर्माहट के आसार अभी से नजर आने लगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वो सभी विपक्षी दलों को वार्निंग लेटर भेजेगा। मॉनसून सेशन का इस्तेमाल किसान आंदोलन के समर्थन के लिए किया जाए। मोर्चा ने कहा है कि 22 जुलाई से 200 किसान संसद के बाद सत्र चलने तक रोज प्रदर्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने का निर्देश दिया। 2019 में ये स्कीम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई थी। 1 जून 2020 तक इसे पूरे देश में लागू किया जाना था, कोरोना की वजह से ये लागू नहीं किया जा सका। प्रवासी मजदूरों की परेशानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य 31 जुलाई तक निश्चित तौर पर स्कीम लागू कर ताकि हर प्रवासी मजदूर को देश के किसी भी हिस्से में अपना राशन मिल सके। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम दूसरी लहर से प्रभावित जिलों का करेगी दौरा। बस्तर संभाग में बीते दिनों बढ़े हैं कोरोना के केस।